Assalamualaikum. I'm Saeed Hafsa Andrabi, student of Al Khadija Educare, Pirtakya, Kokarnak. I want to aware people that tree plantation drive is our duty, because plants play a vital role in maintaining the ecosystem of our planet. They are the main source of food for many species. Plants also provide us medicines, especially in Ayurvedic treatments. They play a major role in oxygen supply. They help us in maintaining the atmosphere and producing oxygen. मैं आलिमा गुलजार अल खदीजा की एक तालिबा। कुदरत ने इंसान को बहुत से फतूहात से अता किए हैं। दरख्त अल्लाह ताला की एक ऐसी नियामत है जिसका कोई सानी नहीं, क्योंकि एक दरख्त लगाने को सदका जारिया भी कहा गया है। दरख्त के इंतहा फायदे भी है। दरख्त का फिताई और जमीनी आलूदगी में कमी होती जा रही है। दरख्त के बाहिस जमीन सैलाब से महफूज रहती है। जो जो हमारे ज़मीन पर पेड़ पौधों की तादाद कम होती जा रही है, वैसे ही हमारे माहौल में आलूदगी बढ़ती जा रही है और लोग बीमार होते जा रहे हैं। Actually, this is the Kurwaji ceremony held by the Forestry Department and our school has participated in this. This is a very important drive. As we know, we belong to the J&K state, which is a part of the Himalayan region, which is called the Water Tower of the Asia. But from the last 10 years or so, we are seeing that global warming has affected this valley also. The temperature has risen very high. See, this is the month of March only, and if we go 10 years back, we see that the temperature used to be just near 20 to 25 degrees centigrade. लेकिन आजकल देखें कि temperature 30 से 35 तक rise हुआ है. तो ये तो बुनियादी नतीजा है, ये pollution जो हुआ है. तो हमारा मानना है ये जो plants है ये काफ़ी important role play कर रहे हैं इस temperature को control करने में और pollution को control करने में. तो इसलिए ये अवेयरनेस, इट इज जस्ट एन अवेयरनेस प्रोग्राम. हम लोगों को इस प्रोग्राम के जरिए ये पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक कि पौधे हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, हमें कितना इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि ये जो हमारी वादी कश्मीर है फिर से जन्नत बेनज़ीर बन जाए. ज़ियारत शरीफ में अपना प्रोग्राम इख्तिताम करेंगे. इसमें हमारे साथ अल खदीजा एजुकेयर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है यहाँ पे इर्तकिया का, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया और अपने बच्चों को ओवर टाइम में भी यहाँ लाकर हमारा सपोर्ट किया. इस साल का जो टारगेट हमारा था 1,25,000, वो यहाँ पर पूरा हो चुका है और अगले साल भी इंशाल्लाह पूरी नई ड्राइव नई स्कीम डिपार्टमेंट लॉन्च करेगा और ये सिलसिला आगे जारी होगा. जी, एक्चुअली हमने पिछले साल एक प्रोसीजर डिवाइस किया था कि एक चाइल्ड एक प्लांट को अडॉप्ट करेगा. सपोज कोई मिडिल स्कूल है तो आठवीं तक एक एक लड़का या लड़की या बच्ची एक एक प्लांट अडॉप्ट करके वो कैरी ऑन करेगा नेक्स्ट जो स्कूल अटाइज. शायद वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट पूरा नहीं हुआ तो इस साल हम उसे इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे.